हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल द 3 मार्क्स क्वेश्चन बैंक ऑफ योर साइंस 2 क्लास 10th का, जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकते हैं। सारे के सारे 3 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें हमने स्पेशली 1 मार्क्स 2 मार्क्स डिस्कस किया था, और एक वीडियो में हमने 3 मार्क्स के थोड़े क्वेश्चन किए थे। उसके साथ साथ एक वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेशली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हैं। वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाया जा रहा है इसके लिए, ताकि आपके पास टाइम कम है और आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सके। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपने अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको भी ये चीजों का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का डिस्कशन होने वाला है। व्हाट इज हेरिडिटरी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। व्हाट इज कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मतलब क्या, आपको C14 यहाँ पर यूज होता है, वो मेन टर्म्स आने चाहिए। चैप्टर वन का ही डिस्कशन चल रहा है। ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट डार्विन थ्योरी, वो आपको चेकआउट कर लेना है। फिर ऑब्जर्व द इमेज, ये आपको क्या बताता है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस बताता है। व्हाट डज इट प्रूव, कि स्टार्टिंग में सब लोग स्टार्टिंग एक ऐसा पैटर्न है कि सबके पास, देखो इसके पास भी 2 आँख है, 1 नाक है, 2 आँख है, 1 नाक है, इसके पास भी 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान हैं, 2 कान हैं, 2 कान हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम सब में सिमिलर हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर डिफाइन फॉसिल, एक्सप्लेन लमार्क प्रिंसिपल। फिर ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि बोन्स अगर आप चेक कर दें तो सबका बोन्स क्या रहता है भाई, तो सेम है। स्टार्टिंग कैसे, जॉइंट्स अगर आप चेकआउट करें तो वो सेम आपको मिल रहा है। फिर ये क्वेश्चन 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको भी आप लिख लेना बहुत अच्छे से। अगर आप वीडियो ना थोड़ा सा लेट ऐसा तेज़ है, क्योंकि ये इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और अगर आप ये वीडियो को मैं लॉन्ग करता हूँ, अगर आप पूरा बैठ के देखते तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा ये क्वेश्चन करने में, फिर इसके बाद आपको पढ़ना भी तो है। इसके लिए थोड़ा फटाफट मैं बना रहा हूँ। विच एवोल्यूशनरी, तो अगर आपको कहीं पर चाहिए रहेगा कि हाँ क्वेश्चन चाहिए तो आप उसे पॉज करके फिर आप उसे चेकआउट कर लीजिए। विच एवोल्यूशनरी, तो यहाँ पर ये क्या बता रहे, तो भाई तो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस बता रहे। क्या बता रहे, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। हाउ आर देयर फॉर्म, तो जब बहुत सारा डिपॉजिट्स, कोई भी पर्सन बोल रहे, कोई भी एनिमल अगर डेथ हो जाता है तो इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर्स डिपॉजिट होती हैं, तो बाय द कंप्रेस्ड प्रेशर और हीट की वजह से ये क्या हो जाता है, फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। विच मेथड इज़ यूज टू मेजर द एज एट द टाइम, तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है इनके टाइम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं 14 की बात करूँ तो यहाँ पर विच प्रिंसिपल, तो लमार्किज्म यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल इन योर लैंग्वेज, खुद से आपको एक्सप्लेन करना है। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो आपको बताना है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, कि ये इसका जो नेक बढ़ता है, ये बच उसको गिफ्टेड नहीं रहता है, वो अपने यूज़ के लिए, अपने काम को ईजी करने के लिए वो अपने नेक को क्या करता है, रेज करता है हर एक जनरेशन में। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये आपको करना है। मेन स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेना है। विच हार्मोन्स आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड, वाई वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, राइट, ये क्वेश्चन करना है। फिर ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं। या तो आपको बोलेंगे ब्लड में कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, तो हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वेरियस हार्मोन, या तो फिर बोलेंगे स्किन में क्या मिलता है, मेलानिन एंड प्रोटीन, या तो ये 2 कॉलम, जो आपको 3 कॉलम भरने को दिया, 3 मार्क्स के लिए 3 कॉलम भरने को दे देंगे। नेक्स्ट, मैरिड कपल, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वाई इज इट नेसेसरी टू मेंटेन, ये करना है। 22, ऑब्जर्व द, हाँ तो यहाँ पर कौन है भाई, तो ये हमारे प्लानेरिया भाई है, जो क्या दिखाते हैं, तो कंप्लीट रीजनरेशन दिखाते। क्या दिखाते हैं, कंप्लीट रीजनरेशन दिखाते, वो लिख लीजिएगा। अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी कैप्ट इन ह्यूमिड प्लेस, तो यहाँ पर व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो आपकी फ्रेंड फंगस आ जाएगा। साइंटिफिक नेम, तो वहाँ पर म्यूकर है, म्यूकर और भी उसका साइंटिफिक नेम है, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक से चेक करिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ तो, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर आपको बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसके बारे में बात कर रहे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। स्वीट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव। स्वीट पोटैटो कैसा दिखाता है, विद द हेल्प ऑफ रूट। ब्रायोफाइलम कैसा दिखाता है, विद द हेल्प ऑफ लीफ। और पोटैटो कैसा दिखाता है, तो भाई विद द हेल्प ऑफ
आई बर्ड दिखाते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये डायग्राम अगेन आपको टेक्स्ट बुक है, इसका नेमिंग करना है। यहाँ पर इसको बोला जाता है ओविडक्ट बोला जाता है, फिर ये रह गया आपका ओवरी हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका क्या, तो भाई यूट्रस हो जाएगा। फिर वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस, तो ये होता है ओविडक्ट के अंदर। वेयर डज द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये होता है यूट्रस के पास, इसीलिए ये तीन ही नेमिंग आपको दिया है। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंडिकेटेड, तो ये बता रहा है क्या भाई, तो ये बता रहा है आपको मल्टीपल फिजन बता रहा है, क्या बता रहा है। और इसमें सबसे फर्स्ट अगर आप चेकआउट करें तो ये फर्स्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड होगा सीक्वेंस में, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। नेक्स्ट आगे चलते कंप्लीट द पैराग्राफ, तो ये आपको पैराग्राफ आपको देख लेना और यहाँ से आपको ये वैल्यूज को उठा उठा के यहाँ पर फिटअप करना है। मार्क कर लीजिए टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, अगेन रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, जहाँ पर आपको IVF वाला क्वेश्चन मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, वहीं पर ये दोनों भी दिया है। मास्टर की में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मैप अगेन टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते ये तीन सिंबल्स हमने इसके पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कशन किया है। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप ये आपको करना है, ये अगेन टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम मैप उठाकर आपको डाला है तो आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। Why is it said that pollution control is important? Pollution control important, ये अगेन टेक्स्ट बुक से आपको उठाना है। फिर ये राइट द गिवन फूड चेन इन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में लिखना है तो सबसे पहला क्या रहेगा, राइस फील्ड ये 1 हो जाएगा, ग्रास ऑपर 2 हो जाएगा, फिर ग्रास ऑपर को खाने वाला फ्रॉग 3 हो जाएगा, फिर स्नेक 4 हो जाएगा और ईगल आपका 5th रहेगा। 37 की अगर बात करें तो ये अगेन आपको टेक्स्ट बुक में दिया, थ्रेटेंड स्पीशीज है और उनके रीजंस क्या, और एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ये करना है आपको। इसके बारे में देखो यहाँ पर दिया, एक्सप्लेन द डायग्राम, अरेंज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो क्या बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन, तो इट इज़ योर टर्बाइन का, टर्बाइन दिया है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ दिस मशीन इन शॉर्ट, इसका शॉर्ट फंक्शन क्या है, इट रोटेट्स, किसको रोटेट करता है, तो भाई जनरेटर को, और इनडायरेक्टली ये क्या प्रोड्यूस करके देता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी देता है, किसको, जनरेटर को प्रोवाइड करता है। इसको कहाँ से एनर्जी मिलता है, तो इसको मिलता है काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर के वजह से इसको क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जर्व द डायग्राम, ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें बोला विच टाइप ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, तो ये यहाँ पर जनरेट होता है विंड एनर्जी, कौन सा एनर्जी जनरेट होता है, तो भाई विंड एनर्जी जनरेट होता है। नेक्स्ट, दिस पावर स्टेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन ब्लेड, सबसे पहला तो ब्लेड पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा ब्लेड है, और प्लस पोजीशन ऑफ दिस विंड मिल, पोजीशन ऑफ द विंड मिल, इज इट एनवायरमेंट फ्रेंडली, येस इट इज़ वेरी मच एनवायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट अगर देखें तो कंप्लीट द टेबल, ये भी अगेन एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड डिसएडवांटेजेस, अगेन टेक्स्ट बुक से आपको उठा लेना है, दो दो पॉइंट्स याद रखना है। लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, ये सब ना अलग से आपको क्वेश्चन दिया है तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली बोलेंगे राइट द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, तो 3 मार्क्स के लिए बोलेंगे तो 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, इधर डब्बे में दिया बट एग्जाम में आपको डायरेक्ट बोलेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, अगेन टेक्स्ट बुक का है, तीन तीन चार्ट्स को कंप्लीट करना है, सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, फिर ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से डीसी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर काइनेटिक एनर्जी इन विंड, फिर यहाँ पर फिलअप करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे आपको करना है। फ्लो चार्ट्स की बात करें तो ये चैप्टर 5 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ्लो चार्ट। एक्सप्लेन द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम द गिवन स्कीमेटिक डायग्राम, ये डायग्राम में से कैसे इलेक्ट्रिक जनरेट होता है वो आपको बताना है। तो पहले ब्लेड रोटेट करेगा, उसके बाद शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट इसमें सबसे मेन रहता है गियर बॉक्स की वजह से इसका स्पीड बढ़ जाता है, फिर ये रोटेट करेगा किसको, जनरेटर को, और इनडायरेक्टली जनरेटर आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, एनर्जी। फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं, वेयर इज द पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इन महाराष्ट्र, वाई इज लेस पोल्यूशन बाय नेचुरल गैस पावर प्लांट, ये सारा क्वेश्चन हमने देखा। वाई आर एब्जॉर्बिंग कंट्रोलिंग रॉड्स आर यूज इन एटॉमिक रिएक्टर टू कंट्रोल द एटॉमिक फ्यूजन या फिर एटॉमिक फिजन्स, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का लिमिटेशन अगेन आपको लिखना है। फिर कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, लैक्टोबैसिलस इसके साथ यहाँ पर यूजफुल लैक्टोबैसिलस एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा एसिडोफाइलम आ सकता है, बहुत सारे नाम वहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको दिए, फिर यहाँ पर डेल ब्रुकी आ सकता है और एक नाम आपको टेक्स्ट बुक से लिख लेना। इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज ओवर केमिकल एंजाइम, हाउ इज सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल्ड बाय माइक्रोब्स, ये आपको चेक करना है टेक्स्ट बुक से। वाई शुड वी यूज बायोइंसेक्टिसाइड, ये भी ताकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी ना जाए, इसके लिए बायोइंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। फिर अब नीचे अगर आप जाएंगे तो माइक्रोब लैंड फिलिंग साइट फॉर सॉलिड, इसको बोलते हैं मॉडर्न या फिर अर्बन लैंड फिलिंग साइड, ये कर लेना है। विच फ्यूल्स डू वी गेट फ्रॉम माइक्रोब्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स, ये क्वेश्चन करना है प्रोबायोटिक्स वाला। फिर एंटीबायोटिक्स टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एंड मोड एंड देयर यूजेस फ्रॉम माइक्रोब्स, फिर ये बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे से। यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स,
फिर उसके बाद आप बोलोगे सर इतने सब कुछ इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, भाई 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से 9, ये जब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बताते हैं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको कितना क्वेश्चन लिखना है, 5, और ये 5 क्वेश्चन ये किसी भी चैप्टर से ऐसी अतरंगी सा क्वेश्चन उठा के डालेंगे, इसीलिए भाई इतना सारा क्वेश्चन है। आप इसको एक एक बार देखते जाएंगे ना तो आई श्योर कि आपको ना बहुत ईजिली याद रह जाएगा। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी उनका यूजेस, हाइब्रिड सीड उनका यूजेस, जीएम क्रॉप उनका यूजेस, अगेन टेक्स्ट बुक से आपको ये मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन चेकआउट करना है, बाकी सारी चीज़ आपको टेक्स्ट बुक से मिलेंगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज शोन इन द फिगर, तो ये क्या हो रहा है, तो कौन सा प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो भाई डिफ्रेंसिएशन वाला प्रॉपर्टी बता रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गन डिनोटेड बाई एक्स एंड वाई, एक्स में कौन है, तो भाई नर्वस, नर्वस, वाई में कौन है, तो भाई डाइजेस्टिव, कौन है भाई, तो डाइजेस्टिव। और द बेनिफिट ऑफ टिश्यू ऑर्गन कल्चर फ्रॉम स्टेम सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन को कल्चर करके आप क्या कर सकते हैं, तो भाई बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए नीड जिनको रहती है, उनके किसी का ऑर्गन फेलियर हुआ है तो उसकी जगह आप नए ऑर्गन्स को रिप्लेस आउट कर सकते हैं, ऑर्गन रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो ये अगेन आपको टेक्स्ट बुक से अच्छे से पॉइंटर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 अगर आप देखो तो सेम टू सेम क्वेश्चन जा रहा है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपको वैल्यूज उठाकर लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट डज इट इंक्लूड, कमर्शियल एप्लीकेशन, ये 69 आपको करना है। हाउ कैन वी सेव लाइव्स ऑफ पीपल बाय ऑर्गन डोनेशन, आप इंपॉर्टेंट, सपोज अगर किसी के पास आँख नहीं है तो आप उनको आँख डोनेट करके उनके लाइव्स को आप बचा सकते हैं। अगेन वापस ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, व्हाट आर द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, फिर इसके नीचे आएंगे तो मेडिसिनल प्लांट्स प्लाउड, फिर बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग करनी है, व्हाट आर स्टेम सेल, राइट इट्स टाइप, तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका अडल्ट स्टेम सेल्स और एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर गिव 2 एग्जांपल, तो यहाँ पर आप 2 एग्जांपल लिख सकते हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी क्रॉटन या फिर गोल्डन राइस। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय बायो वैक्सीनेशन, ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ये भी नहीं करना है। व्हाट विल हैपन इफ वी ट्रांसजेनिक पोटैटोस, ट्रांसजेनिक पोटैटो खाने से आपके पास आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी, किसके अगेंस्ट भाई, तो कॉलेरा के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो 87 अगर क्वेश्चन देखें तो ये भी आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी का पार्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको क्या बोला, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज शोन इन द फिगर, तो एक स्टेम सेल्स है वो क्या कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये आपको बताया, और ये क्या क्या चीज़ें बना सकता है, टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स वो बताया। अगेन टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम के आजू बाजू वाले पेज पे रीड करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर बोला ब्लू रेवोल्यूशन आपको कर लेना है, एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर कर लेना है, एडिबल वैक्सीन क्या होता है वो कर लेना है, ये आपको नहीं लिव आउट करना है। ये क्वेश्चन 95 एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, टेरिस विटाटा का फंक्शन क्या है, सुडोमोनास का फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब यूरेनियम और आर्सेनिक के लिए कौन सा टेरिस विटाटा, फिर यूरेनियम और आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन रहता है, तो जियोबैक्टर यूज होता है टू एब्जॉर्ब, तो इसके लिए रहता है रेडियो ड्यूरेंस, ये सब नाम याद रहना चाहिए, इंडियन मस्टर्ड, तो ये सेलेनियम को क्या करते हैं बोलते हैं एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपको टेक्स्ट बुक से करना है, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है, ये बहुत अच्छे से करके रखना है आपको। ट्रांसजेनिक पोटैटो की बात करें तो ब्रीफली डिस्क्राइब, ये अब भी हमने लास्ट पिछले वाले वीडियो में देखा ये डायग्राम, और ये डायग्राम अब भी हम जस्ट ऊपर देख कर आए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो व्हाट विल यू डू, योर सिस्टम हैज बिकम इनकम्युनिकेटिव, शी प्रिफर्स टू रिमेन अलोन, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, तो यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पज, तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, ये सबके लिए अलग अलग होता है। वॉट मेंटल डिसऑर्डर इज शोन इन द गिवन पिक्चर, इसमें ये बता कि देख भाई इनकी हेल्प करने के बजाय ये क्या कर रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हैं, तो ये चेकआउट कर लेना, एक कुछ इसको नाम दिया रहेगा मेंटल डिसऑर्डर को। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको वापस चाइल्ड इन ट्राई अपॉन टोबैको सिगरेट गुटखा अल्कोहल ड्रिंक पियर हाउ एवर इट मे लीड टू सच सब्सटेंस, तो इट मे लीड्स टू एडिक्शन टू सच इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, तो ये वन फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड आएगा, ये वन, ये टू, टेम्पोरली डैश ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, टेम्पोरली डेडली ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, अगेन ये टेक्स्ट बुक से पैराग्राफ उठाइए और यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया ना, ऐसे फिलअप करते जाना है, ऐसे आपको फिलअप करते जाना है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हमने डन आउट कर लिए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने। याद रखना जितने भी ये डायग्राम बेस्ड या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है इसको अच्छे से करके रखिए, और जो बोलते ना बड़े बड़े आंसर्स वाले क्वेश्चन हैं उनको आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, उनको थोड़ा कम ही करिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आई होप आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई रहेगी, आप वीडियो का पूरा फायदा उठाएंगे और पेपर आपका अच्छा जाएगा, अच्छे से ये सारी चीज़ों को कवर आउट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, कुछ नए पेपर के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।